केशव प्रसाद मौर्य वो योगी आदित्यनाथ के लिए एक तरह से गले की फांस बनते हुए जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में फिर वही ट्वीट कर दिया जाता है और वो ट्वीट कुछ और नहीं है, वो ट्वीट वही है जब जेपी नड्डा सामने मंच पर बैठे हुए थे और केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से आईना दिखाया था। और अब केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं दिल्ली में, केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात कर रहे हैं जेपी नड्डा के साथ। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर, उसमें आप कितनी सच्चाई है, कितनी उसमें गंभीरता है, कितनी उसमें जोड़ तोड़ की राजनीति शामिल है, किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है, इसको आप बारीकी से समझ सकते हैं। आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आ रही है अपनी सरकार को लेकर के, अपने ही लोगों को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य उनके ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और फिर उसको डिलीट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद में एक घंटे बाद में फिर से वो ट्वीट किया जाता है। बड़ा सवाल खड़ा होता है, अहम सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि क्या अब केशव प्रसाद मौर्य को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, केशव प्रसाद मौर्य हरी झंडी दिल्ली से ले चुके हैं क्या, इसीलिए फिर से उन्होंने वो पोस्ट कर दिया। तो क्या है ऐसा उस पोस्ट में, उस पर भी चर्चा करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर अपने दो बड़े फैसलों को पलटा है, उन फैसलों पर भी चर्चा करेंगे। तो आखिरकार ना केवल ऐसा दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर ब्रेक लग गए हैं, बुलडोजर पर ब्रेक लग गए हैं, बल्कि कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर आज इतना भारी हो गया कि बुलडोजर को आज अपना वजन खुद ही हटाना पड़ रहा है। खैर बहरहाल सबसे पहले मैं आपको ये ट्वीट दिखाता हूं। ये सबसे पहले आप जरा ये योगी आदित्यनाथ का ट्वीट देखिए जो उनके ऑफिस की तरफ से, ऑफिस ऑफ केशव प्रसाद मौर्य उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है। संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, कार्यकर्ता ही गौरव है। ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से 10:45 पर ट्वीट किया गया। यानी अभी इस वक्त में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 10:11:23 हुआ है, यानी एक घंटे का वक्त भी अभी नहीं बीता है। लेकिन इससे पहले का एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा। 2 घंटे पहले यही सेम ट्वीट, यही सेम भाषा के साथ में सेम ट्वीट किया जाता है और आप देखिए कि वो ट्वीट अब डिलीट कर दिया गया। सेम हूबहू यही ट्वीट अब किया गया है दोबारा, लेकिन 2 घंटे पहले यही किया जाता है और इसको फिर डिलीट कर दिया जाता है। 2 घंटे पहले जो स्क्रीन एक बार हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसको जरा दिखाइए। ये आपकी स्क्रीन पर 2 घंटे पहले जो यही ट्वीट किया गया था, सेम ट्वीट 2 घंटे पहले, ये भी जरा देखिए, जिसमें थोड़ा सा नीचे के लिए ऊपर 2 घंटे लिखा हुआ है वो दिखेगा। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर संभव है तो इस पर एरो भी लगा दीजिए। ये केशव प्रसाद मौर्य का एक तरफ 10:45 पर यही सेम ट्वीट दिख रहा है और यही सेम ट्वीट अब से 2 घंटे पहले, अब मैं जब ये वीडियो कर रहा हूं तो 10:11:25 हो रहे हैं, तो 1 घंटा तो नहीं हुआ है, लेकिन 2 घंटे पहले फिर यही ट्वीट कैसे हो गया है, सेम ट्वीट जो है वो लिखा हुआ है। बस इसमें यहां पर अगर कुछ लिखा है जो डिलीट कर दिया गया है तो वो बीजेपी यूपी कार्य समिति 2024 उसको थोड़ा सा हटा दिया गया है, बाकी आप देखेंगे तो सेम टू सेम। वहां पर 2 घंटे एरो जो है वो आपको दिख रहा है, वहां पर 2 घंटे लिखा हुआ दिख रहा है आपको और यहां पर 10:45 दिख रहा है। राजनीति में एक एक चीज बड़े मायने रखती है कि कोई चीज अगर की जा रही है तो क्यों की जा रही है, कोई अगर कुछ हुआ है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे मंशा क्या है, वजह क्या है,
सब एक एक चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आप देखिए कि आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपकी स्क्रीन पर ये योग केशव प्रसाद मौर्य के दो ट्वीट हैं, दोनों आप एरो के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 10:45 पर यही ट्वीट इन्होंने दोबारा किया, इससे पहले जो है ये ट्वीट कर चुके थे और फिर उसको डिलीट कर दिया। तो आप बताइए इसके पीछे क्या जो है वो मकसद हो सकता है, या कहीं से हरी झंडी या ग्रीन सिग्नल मिल गया है, सवाल इस बात का। अब जरा आपकी स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ के दो अहम फैसले, जिसका 24 घंटे के अंदर पलटवार होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये और किसी और ने नहीं पलटे हैं बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ को पलटना पड़ा है। कहते हैं कि किसी का घर तोड़ करके उसकी बद्दुआ मत लीजिए, उसकी हाय मत लीजिए। अब पता नहीं योगी आदित्यनाथ को किसी की बद्दुआ लग रही है या हाय लग रही है या क्या हुआ है, लेकिन देखिए उन्होंने लिखा है, ये नवभारत टाइम की खबर है अभी आपके सामने है, पंतनगर में नहीं चलेगा बुलडोजर, सीएम योगी ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा, लाल निशान लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। अब देखिए बुलडोजर तो जो है उसको तो रोक ही दिया है, लेकिन उसके साथ साथ लाल निशान लगाने वालों पर होगी कार्रवाई, मतलब कि जो अधिकारी जा करके ऐसे ऐसे करके लाल निशान लगा रहे थे ऐसे क्रॉस, ये टूटने वाला है अपना सामान खाली कर लीजिए, जो क्रॉस का निशान लगा रहे थे, लाल निशान लगा रहे थे, अब कहा जा रहा है कि भैया उन्हीं पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। भाई अपने ही अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, और अधिकारी किसके सिर में क्या खुजली मची हुई है कि वो अपने दफ्तर से निकल करके और आकर के लाल निशान लगाने लग जाए, आप बताइए जरा। जाहिर सी बात है उसको आदेश मिले थे इसीलिए उसने किया। दूसरा अहम फैसला, डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने तक रोक, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। दूसरा एक बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि डिजिटल हाजिरी जो है वो लगाई जाएगी, इस पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने डिजिटल हाजिरी पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। अब जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया होगा इसीलिए, क्योंकि शिक्षकों के अंदर इसको लेकर के बेहद आक्रोश था, शिक्षकों के अंदर इसको लेकर के आक्रोश था कि कई बार ये टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ कमी आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी ड्यूटी अचानक से कहीं और लगा दी जाती है, उसके आपके पास में पेपर पहुंचे नहीं होते हैं तो उस दिन की हमारी एब्सेंट लग जाएगी, हमारी ड्यूटी कहीं और लगा दी गई, तब जो है हमारी तनख्वाह कट जाएगी, कभी जो है वो नेटवर्क का इश्यू हो जाता है। तो डिजिटल जो है वो अभी पूरी तरीके से शिक्षकों के अनुसार ये अभी जो है कार्य नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारे ऊपर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर पहले ही बहुत वजन है, पहले ही सरकारी कामों का बहुत भार है। अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा सरकार ने उपचुनाव में हार के डर से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस व लखनऊ में पंतनगर इंद्रप्रस्थ के ध्वस्तीकरण का फरमान स्थगित कर दिया, इसे पूरी तरह से निरस्त होना चाहिए कि भाजपा का असली चेहरा शिक्षकों व आम जनता के सामने आ गया है। शिक्षक व आम जनता भाजपा को उपचुनाव ही नहीं अगला चुनाव भी हरवाएगी, कि जनता ने भाजपा सरकार की मनमानी के बुलडोजर के ऊपर जनशक्ति का बुलडोजर चला दिया है। अब अखिलेश का एक और ट्वीट देखिए, वो कह रहे हैं कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है, तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी अब वह काम अपने दल के अंदर कर रही है, इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है, जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। और केवल अखिलेश नहीं, अब कांग्रेस भी इस पर जो है मौका नहीं छोड़ रही है। सुप्रिया सिनेत की तरफ से लिखा गया कि यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में है, लगातार नड्डा से मिल रहे हैं, किसके इशारे पर राज्य में योगी के खिलाफ बगावत का मोर्चा इन्होंने ही संभाला है, केशव प्रसाद मौर्य ने, किसके इशारे पर यह हो रहा है इतना तो आप सब जानते ही हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि यह साहब अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे, केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सिराथू से अपना चुनाव हार गए थे। मैं सिराथू में गया था, केशव प्रसाद मौर्य की जो विधानसभा है उसके अंदर मैं गया था ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए 2022 का विधानसभा चुनाव,
और सिराथू विधानसभा में ये चुनाव हार गए थे। मतलब देर रात तक काउंटिंग भी चली, सब कुछ हुआ, लेकिन आखिरी में ये चुनाव अपना हार गए। और कहा यह भी जाता है कि हार गए नहीं बल्कि योगी का खेमा नहीं चाहता था इसलिए हरा भी दिया गया, ये भी बातें होती। खैर, लेकिन अब विपक्ष जो है वो इस पर खुल करके हमलावर है। विपक्ष लगातार इसको लेकर के लिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ वो अपनी सत्ता सरकार संभाल नहीं पा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अब लगातार अपने ही लोगों से घिर गए हैं, उनके ही लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसलिए अब योगी आदित्यनाथ का ज्यादा लंबे वक्त तक सत्ता में बना रहना अब संभव नहीं है, में भविष्यवाणियां की जा रही है। अब कितना जो है ये चीजें कामयाब हो पाएंगी कितना नहीं हो पाएंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बार जरा सुन लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान और हाव भाव भी देख लेते हैं, बहुत कुछ अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 साल आवास मिला, मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, सात कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को मानी और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी बैठे, चाहे वो उपमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे तो जनप्रतिनिधि है, उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान करना है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। अब देख लिया आपने, और ये हाव भाव और यहां पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिल्कुल एक एक शब्दों को जमा जमा करके जिस कॉन्फिडेंस के साथ में केशव प्रसाद मौर्य रख रहे हैं, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य को ऊपर से आशीर्वाद मिला हुआ है। बगैर ऊपर के आशीर्वाद के केशव प्रसाद मौर्य शायद इतना नहीं बोल सकते। और ये तस्वीरें कल श्याम की हैं, आप देखिए दोनों हाथ यहां पर केशव प्रसाद मौर्य के पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं, यानी पूरी आवा भगत यहां पर दिखाई दे रही है केशव प्रसाद मौर्य की। और ये सब कुछ ऊपर के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता है, जब तक ऊपर का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। और ऊपर यानी योगी आदित्यनाथ से ऊपर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा को आप इस पिक्चर में बहुत बड़ा जो है वो आप मान करके मत चलिए। जेपी नड्डा एक तरीके से मैसेज कन्वे करने का काम कर रहे हैं, बाकी असली खेल, असली जो खेला है वो कहीं ना कहीं जो रचा जा रहा है वो मोदी और शाह के बीच में रचा जा रहा है। और मोदी और शाह वही तय कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या करना है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, वही सब कुछ तय कर रहे हैं। और इसके बगैर ये संभव नहीं है। इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसा लगता है कि उनको भी पहले से इस बात का अंदेशा हो गया था, इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनके पर अब कतरे जाएंगे, इसीलिए योगी आदित्यनाथ की जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत इस वक्त में बैकफुट पर दिखाई दे रही है।
फैसलों से भी और बाकी सबसे। ये उसी जो है आपको दिखाई दे रहा है जो स्क्रीन पर, ये तस्वीरें उसी मंच की है जहां से योग्य केशव प्रसाद मौर्य ऐलान कर रहे थे। बगल में भूपेंद्र चौधरी बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हाथ बांध लिए हैं अपने, यानी के और योगी आदित्यनाथ को आप देखिए, चेहरे को आप पढ़ लीजिए योगी आदित्यनाथ के, योगी आदित्यनाथ के चेहरे से जो हाव भाव यहां पर दिखाई देंगे आपको, बिल्कुल साफ स्पष्ट संकेत। और भूपेंद्र चौधरी अपने आप को बिल्कुल अलग रखे हुए हैं। और नमस्ते देखिए भूपेंद्र चौधरी ने फिर भी ठीक ठाक तरीके से लिया है, ताली भी सही बजवा रहे हैं, लेकिन योगी ना नमस्ते ठीक से ले पा रहे हैं ना ताली ठीक से बजवा पा रहे हैं। और बगल में विनोद तावड़े बैठे हुए हैं तो उन्होंने भी अपने हाथ बांधे हुए हैं। तो बहुत कुछ यहां पर इन तस्वीरों के जरिए साफ हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि बड़ी हरी झंडी लेकर के, बड़ा हरी ग्रीन सिग्नल लेकर के केशव प्रसाद मौर्य मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और शायद उसी का नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को, अपनी छवि को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहरहाल इंतजार बना करके रखिए, इंतजार रखिए और लगातार नजर बना करके रखिए। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो पल पल बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या कुछ होता है आगे देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।